वेलकम बैक दोस्तों, सनासर जाते हुए रास्ते में ये देखें जी, मानसर जाते हुए, सॉरी सनासर से निकल आए थे हम। ये एक जगह मिली है, जगह थोड़ी वीरान है जी। ये देखें, जंगल ही है चारों तरफ। ये देखें जी, चारों तरफ जंगल है जी, और भी घना जंगल है। ये मैडम जी तैयारी कर रहे हैं जी इधर खाना पकाने की। दोस्तों ये नया टेंट लिया था, अभी पहली बार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखें जी, पॉप अप टेंट है, ऑटोमेटिकली सारा फिट सिस्टम खड़ा हो जाता है इसका। ये देखो जी, आखिर कोशिश जारी है। हाँ यस, हो गया जी, लग गया, कोशिश कामयाब हो गई हमारी। चलो मैडम जी, की तैयारी कर रहे हो मैडम? दोस्तों पहला मोटी किस चीज़ की तैयारी हो रही है दोस्तों? यहाँ बनने लगा जी चिकन, जो काफ़ी देर से हमने बनाया नहीं था कैंपिंग में। ये देखें जी, तैयारी कर रहे हैं मैडम जी। यह है जी अपना कैंपिंग सेटअप। दूर जंगल में कहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा फोर्स कर रहे, थोड़ी और बहुत पल बोल, थोड़ा ज्यादा नहीं है, ज्यादा लग रहा है मैंने। रख लो भी पा दो थोड़ा जा, पा दो बस ठीक है। लसन पा, यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर पीछे हम ना फोटोग्राफी कर रहे थे, तो अपना DSLR वहीं भूल आए, वहीं एक साइड पर रखा था रोड साइड पे, वहीं भूल आए। अभी जब कैंपिंग का सामान वगैरह लगाया तो देखें जी कैमरा कहाँ है फ़ोटो खींचने, तो कैमरा था ही नहीं। सो मैं वापस लेने गया था, लकीली वो कैमरा वहीं पड़ा था, किसी की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो आज 40,000 रुपये का नुकसान हो जाना था। देखिए जी मैडम जी कितने परेशान हैं, मिला कि नहीं मिला कैमरा।
बट लकीली कैमरा मैं ले आया हूँ, मिल गया हमें। मेरी मेहनत की कमाई का कैमरा था, इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ी और मेरा नुकसान होने से बच गया। आहो। आ जाओ दोस्तों, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये देख के। रेडी हुए अपना कुड़वा चक्कर वो कुड़ा प्या बहुत कुरा था प्यार दोस्तों, आपको बुलाना भूल गया, आ जाओ। गल भी गया रहा ना पसंद भी है। दोस्तों खाना हो गया, खाना तो बहुत टेस्टी था। एक अलग ही तरह का मोर होता है जब आप कैंपिंग में बैठ के खाते हैं ना जी, तो चारों तरफ से मतलब पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, एक अलग ही लेवल का माहौल होता है जी, बहुत मज़ा आता है। यही तो एक कैंपिंग का मज़ा है। चलिए दोस्तों, मैडम जी की कुछ मदद करते हैं, पैकिंग करवाते हैं, अब यहाँ से निकलेंगे, शाम हो गई है, तो चलते हैं आगे जी, फिर आगे दिखाते हैं आपको।
ਲੱਕੜੀ ਕੁਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੀਏ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਏਗਾ से आई है ये कटरा से मोटी कितनी चली मोटी ए मोटी खुदकुशी करने लगी है मोटी खुदकुशी करने लगी है दोस्तों जगह कितनी अच्छी है जी ये देखें ये चट्टान है पूरी पर गंद देखे लोगों ने कितना डाला हुआ है ये देखें जी ये देखें जी बड़ी खूबसूरत सी जगह है फोटोग्राफी के लिए बट लोगों ने गंद देखो कितना डाला हुआ है जी। हाँ जी दोस्तों घर पहुंच गया जी वो देखें जी वाह मोटी आते आते शुरू होगी चाय पीने दोस्तों बड़ा अच्छा टूर रहा जी आज का बहुत बढ़िया एक नई जगह देखी बहुत अच्छी बहुत मज़ा आया जी बहुत ही मज़ा आया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी दोस्तों को आपको आपके कमेंट्स के लिए आपकी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए दोस्तों ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम बनता है एक लॉन्ग टूर बनाते हैं अब काफ़ी दिन हो गए बाहर गए हुए आज तो चलो एक ऐसे ही मूड बना और चले गए हम तो जी कब बनता है नेक्स्ट मंथ में भी ट्राई करेंगे घर पहुंच गए जी रिलैक्स हो गए चलिए दोस्तों बंद करते हैं ये ब्लॉग यहीं पे तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए